हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स इसके यूजेस और एक्सप्लेन करूंगा रेन सेंसर को। दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 0.3% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अनबॉक्स करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें ये सर्किट मिलेगा जो कि रेन मतलब पानी को सेंस करके अलार्म जनरेट करेगा। इस सर्किट के प्रिंसिपल को आप अपनी पर्सनल कार में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कार का वाइपर रेन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। या फिर इस प्रिंसिपल को आप अपने घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बाहर में कपड़े सुखाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कब रेन शुरू हो रही है। अगर आप भी रेन सेंसिंग अलार्म सर्किट खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। इस सर्किट के साथ में हमें ये 9 वोल्ट की बैटरी भी मिली है, जिससे ये सर्किट ऑपरेट होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये बैटरी भी 9 वोल्ट की परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसका रेन सेंसर है, मतलब ये रेन या फिर पानी को सेंस करके अलार्म जनरेट करेगा। ये बैटरी स्नैप है, यहाँ पर हम 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे जो कि स्विच में जाएगी। स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये 9 वोल्ट की सप्लाई रेजिस्टेंस से पास होते हुए रेड कलर के इंडिकेटर में जाएगी और रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा, और उसके बाद इंडिकेटर के बाद ये सप्लाई सीधी जाएगी रेन सेंसर में। तो रेन सेंसर जैसे ही एक्टिवेट होगा पानी से या फिर रेन से, जैसे ही रेन सेंसर एक्टिवेट होगा तो ये जो 9 वोल्ट की सप्लाई है ये सेंसर से पास होते हुए, रेजिस्टेंसेस से पास होते हुए जाएगी ग्रीन कलर के इंडिकेटर में, और ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा और साथ में ही ये सप्लाई सीधी बजर में जाएगी और हमारा बजर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए अब इस सर्किट को प्रैक्टिकली एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे रेन तो नहीं है तो इसलिए मैंने कप में पानी लिया हुआ है इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैंने 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो जैसे ही मैं ऑन ऑफ के स्विच को ऑन करूंगा तो हमारा रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी हम रेन सेंसर को एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए हम कप से थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ग्रीन कलर का इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है और हमारा बजर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब बजर को डीएक्टिवेट करने के लिए हम मेन स्विच को ऑफ करेंगे और हम इसको एक बार वाइप कर लेंगे अच्छे से। जो पानी हमने इसके ऊपर डाला हुआ है उस पानी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बजर नहीं बजेगा। अदरवाइज अगर अभी हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बजर फिर से बजेगा। ये देखिए, तो ये देखिए अभी हम स्विच ऑफ कर रहे हैं बजर को ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि रेन शुरू हो गई है तो इसलिए हमने स्विच को ऑफ कर दिया है। तो अब अगर आपको फिर से इस स्विच को एक्टिवेट करना है बिना अलार्म के तो आपको एक बार अपने सेंसर को अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि वो एक्टिवेट ना रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही रेन सेंसर अलार्म सर्किट या फिर प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पिंग लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।